हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि रात से ही बहुत बारिश हो रही है। अभी तो रुक गई है बारिश, कुछ देर पहले मतलब रुक गई है। और देखिए धूप निकल आई है। और कल मतलब सुबह से ही मौसम खराब हो रखा था। और सुबह तो बारिश नहीं हो रही थी कल, लेकिन शाम के टाइम में थोड़ी सी बारिश आई थी, उसके बाद फिर रुक गई थी। उसके बाद फिर कल रात में बारिश बहुत तेज स्टार्ट हुई और फिर अभी तक मतलब बारिश हुई है। और अभी सुबह का टाइम है तो मेरा तो सारा काम खत्म हो चुका है सुबह का, और हम सभी नहा धोकर तैयार हो गए हैं। और बारिश हुई है ना रात भर, तो नीचे पूरा पानी जम गया, बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है नीचे। रास्ता मतलब ख़राब हो रखा है आने जाने का। और आज मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि मुझे राखी लानी है, और कल ही राखी है तो मार्केट जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या करूँ, मैं पहले से मैं राखी ला कर रखी नहीं, और मैंने सोचा था कि मैं एक दिन पहले ले आऊँगी, तो कल राखी है तो आज मैं लाने जाने वाली थी। लेकिन आज तो बारिश ने पूरा बुरा हाल कर रखा है, मतलब रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो अभी मैं नहीं जाऊँगी, शाम के टाइम में जाऊँगी, उस टाइम तक थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। धूप निकल गई है ना तो थोड़ा सा तो रास्ता सही हो ही जाएगा जाने लायक, मतलब मार्केट। तो मैं मार्केट चले जाऊँगी शाम को और राखी ले आऊँगी, और भी कुछ सामान लाने हैं तो वो सभी मैं ले आऊँगी। और बारिश का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले भी आप सभी को वीडियो शूट करके दिखाया है बारिश का, इस कारण से। तो अभी मैं थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप सभी को कितना पानी भर रखा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में, और नीचे देखिए कितना सारा पानी भरा हुआ है। रात भर बारिश हुई है ना, इस कारण से इतना सारा पानी भर गया यहाँ पे। और भी ज़्यादा था, लेकिन अभी तो धीरे धीरे कमते जा रहा है क्योंकि इसमें मोटर लगा दी गई है, जो पानी निकालने वाली मोटर होती है ना उसी को। तो जो बड़ा वाला नाला है मेन गेट के पास, तो उसमें पानी निकाल दिया जाता है जो यहाँ पर पानी जमता है। और पानी ना जो आपको पार्किंग की गेट दिख रही है ना, वहाँ तक पानी था भरा हुआ, अभी देखिए वहाँ से कम गया है। तो धीरे धीरे कम जाएगा पूरा, और यहाँ पे सुखा दिया जाएगा। पूरा तो नहीं सूखेगा, लेकिन फिर भी पानी मतलब हटा दिया जाएगा यहाँ से। और देखिए मैंने कपड़े रखे हैं सूखने के लिए, तो आज तो कपड़े सूखने से रहे, और इसीलिए मैंने रस्सी पर कपड़े नहीं रखे हैं, रेलिंग पर रखे, क्योंकि बार बार बारिश आ जा रही है तो और गीले हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने रेलिंग पर रख दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच जाते हैं और थोड़ा सा फिर ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर मैं अंदर ले जाऊँगी इनको सुखाने के लिए। पंखे के नीचे रख दूँगी तो सूख जाएगा। और देखिए अगर धूप निकल जाती है अच्छे से, हल्की धूप तो निकली हुई है, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और अब मैं चलती हूँ अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय हो गया है और अभी मैं मेन गेट के पास आ गई हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, मैंने आपसे वो सुबह बताया था। और सुबह वीडियो शूट करने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो अभी शाम से फिर से मैं स्टार्ट की हूँ। और देखिए अभी मौसम कितना अच्छा हो रखा है, वही मैं आपसे वो दिखा रही थी, लेकिन ज़मीन हर जगह गीली हो रखी है, आप सबको पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो अभी कुछ देर पहले भी बारिश आई थी, तो हल्की बारिश आई थी अभी, और अभी भी देखिए बूंदा बूंदी हो रही है, आपको मेरे चेहरे पर बूंदा बूंदी दिख रही होगी, तो हल्की हल्की सी बूंदा बूंदी गिर रही है। अभी मैं पहुंच गई हूँ फुट ब्रिज पे, और आते समय मैंने रास्ते का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कच्चा रास्ता ना, तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अगर वीडियो बनाने लगती तो सारा ध्यान तो वीडियो पर चला जाता, और फिर उससे फिर दिक्कत होती, पैर फिसलने का डर होता, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और अभी मैं आ गई हूँ फुट ब्रिज पे, तो यहाँ से मैं आपसे वो मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ। तो यहाँ से तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं ऊपर चलकर आप सभी को अच्छे से दिखाती हूँ। और देखिए अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस साइड जो मैंने आपको दिखाया, उसी साइड में हर बार जाती हूँ मार्केट, लेकिन आज मैं उस साइड नहीं जाऊँगी, आज दूसरे साइड जाऊँगी। और देखिए ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है व्यू, तो इसी साइड मेरा बिल्डिंग है, वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ऊपर से देखने में। और देखिए यहाँ पर शनि मंदिर है, तो हर बार तो मैं आपको शनि मंदिर दिखाती हूँ, तो यहाँ से मैं जाती थी उधर मार्केट। और देखिए फुट ब्रिज कुछ इस तरह का बना हुआ है, और बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है ना, तो देखिए पानी यहाँ पे भी जम गया है। ऐसे तो ये पूरा घेरा हुआ है, लेकिन ऊपर से थोड़ा जाली टाइप में दिया हुआ है ना, तो इसलिए पानी यहाँ पे भी जमा हुआ है। और बस मैं थोड़ा सा ही वीडियो बनाई हूँ यहाँ का, क्योंकि पानी जमा हुआ ना तो पैर फिसलने का थोड़ा सा डर रहता है, तो थोड़ा सा मैं दिखाई हूँ आप सभी को फुट ब्रिज। मैं कभी और दिखाऊँगी, हालाँकि मैंने अपने वीडियो में दिखा रखा है इस फुट ब्रिज को। और देखिए अभी फुट ब्रिज के मैं दूसरी ओर आ गई हूँ, और देखिए दूसरी ओर मार्केट लगी हुई है, ये देखिए आपको दिखाई, यहाँ पर देखिए गोल चक्कर है, तो चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, उधर से भी उधर से भी। तो यहाँ पे ना रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, और थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का भी खतरा ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पर फुट ब्रिज बनाया गया है। और देखिए भाई ये पोस्टर लगा रहे हैं बारिश के टाइम में भी, तो देखिए जिनका जो काम है उनको तो करना ही पड़ता है, बारिश हो या कुछ भी हो। अभी देखिए मैं मार्केट पहुँच गई हूँ, और मैंने रास्ते का नहीं बनाया क्योंकि इधर भी कच्चा ही रास्ता है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया रास्ते का वीडियो। और देखिए मार्केट कुछ इस तरह की लगी है, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया है मार्केट का, ज़्यादा नहीं किया है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना, और हल्ला भी बहुत ज़्यादा होते रहता है, तो मैंने बस थोड़ा सा ही शूट किया है। और सब्जियाँ वगैरह तो थोड़ी बहुत मैं लूँगी, और फिर राखी भी लूँगी, तो मैं आपसे आगे राखी भी दिखाती हूँ।
तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, यहीं से मैं राखी खरीद कर ले गई हूँ। और भी बहुत सारी राखियों की दुकान थी, तो बारिश की बूंदें गिर रही थी ना, तो बहुत लोग ढक के उसको रख दिए थे और कुछ लोग ऐसे ही रख के बेच रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी मैं मार्केट से घर वापस जा रही हूँ और मार्केट से जो सामान मुझे चाहिए था वो सारा सामान मैंने खरीद लिया है और राखी भी खरीद ली है, साथ में आयशा के लिए गिफ्ट भी खरीद लिया है। जब वो आयशा को राखी बांधेगी तो उसको गिफ्ट दे देना पड़ेगा, वो तो नेक है बहनों का तो देना ही तो है। और अभी मैं घर वापस जा रही थी तो फुटब्रिज का जो जीना है ना उस पर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, थोड़ा साथ आ जाए अच्छे से तो उसके बाद फिर मैं नीचे उतरूँगी। तो वही मैं थोड़ा सा शूट करके आप सबको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह का दिख रहा है यहाँ का एरिया, और ऊपर से ना बहुत अच्छा लगता है देखने में, अलग तरह का व्यू आता है ऊपर से, ये देखिए। और यहाँ फोटो लगा है बड़ा सा अजय देवगन जी का, और ये देखिए यहाँ से गाड़ियाँ कितनी सारी जा रही आ रही है। और अब मैं नीचे उतर रही हूँ घर जाने के लिए, तो यहीं पास में ही हमारा बिल्डिंग है, तो बस 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए अभी मैं अपनी बिल्डिंग के पास आ गई हूँ, तो अब मैं आप घर में जाकर मिलती हूँ आप सभी से, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं घर आ गई हूँ और घर आए कुछ देर हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आई हूँ। आने के बाद फिर मैंने अपना हाथ पैर धोया और जो सामान मैं लेकर आई थी तो उनको भी मैंने अच्छा से रखा, और उसके बाद फिर मैंने बनाया अपने लिए चाय, ये देखिए शाम की चाय, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, मैं चाय पी रही हूँ। और आज तो थोड़ा लेट हो गया चाय पीने में, इससे पहले ही पीती हूँ, आज मार्केट चली गई ना थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी बज रहे हैं 7 और देखिए बाहर अंधेरा हो गया है, लेकिन इस टाइम अंधेरा नहीं होता है, इस टाइम तो उजाला ही रहता है, लेकिन आज अंधेरा हो गया क्योंकि मौसम आज ख़राब है, बारिश हो रही थी। देखिए ऐसा आ गई, हेलो बोलो, हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों भाई बहन नाश्ता कर लिए ना, कैसा लगा समोसा? अच्छा था। अच्छा था, जब बुक निकालो पढ़ाई का टाइम हो गया, जाओ। तो अब शाम हो गई ना, तो अब इनको पढ़ाना भी पड़ेगा, तो मैं बोल रही हूँ बुक निकाल के बैठो, तब तक मैं आती हूँ बात करके। मैं जा रही हूँ दोनों बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए, और साथ में फिर मैं अपने रात के खाने की तैयारी कर लूँगी दोनों बच्चों को पढ़ाते हुए ना, फिर मैं वहीं पे बैठकर सब्जी वगैरह भी काट लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना बना लेती हूँ बच्चों को पढ़ाने के बाद, तो उस तरह से आसानी रहता है, ऐसे फिर बैठे रहो और ऐसे भी मतलब बच्चों को होमवर्क दे देते हैं और उसके बाद वो तो बनाने लगते हैं, फिर हम बैठ कर ऐसे ही मतलब रह जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ में सब्जी भी काटने लगती हूँ जब मैं उनको कुछ लिखने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी वब्जी काट लेती हूँ वहीं पर बैठ के, और उसके बाद फिर मैं खाना भी बना लेती हूँ जब उनको पढ़ा देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इस वीडियो में यही समाप्त करती हूँ, आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का और को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।